Hello everyone, so now we start the procedure of Pine Labs AllTap app. So आपको simply करना क्या है, आपको merchant के phone में app को download करना है, merchant के phone में. Then simply आपको app को open करना है. App open करने के बाद आपकी ये window आएगी, यहाँ पर आपको merchant का mobile number डालना है. आप merchant का mobile number put करके OTP के लिए request करेंगे, आपके पास OTP आएगा. Then आपको OTP put करना है यहाँ पर. OTP पुट करने के बाद आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे. देन यहाँ पर आपसे तीन डिटेल्स मांगेगा. ये डिटेल्स मांगेगा, पैन कार्ड सबमिट करना है आपको, GST नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स. फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है. आपको दुकानदार से पूछ लेना है कि उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हों, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू करें, नहीं तो रहन दें, ड्रॉप डाउन कर दें इसको. फिर आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है. कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी है, पैन कार्ड डिटेल्स और उसका नाम डाल लेना है, जो भी का नाम पैन कार्ड जो. फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है. देन आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आपको अपलोड नाउ पे क्लिक करना है. अब आपको कैमरा से या फिर आप फ्रॉम गैलरी बेस से भी आप अपलोड कर सकते हैं उसका पैन कार्ड. देन आप सिंपली इस ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको पैन कार्ड स्कैन करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है. कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप थोड़ा सा वेट करें. जैसे ही पैन कार्ड वेरीफाइड होगा फिर आपके पास आएगा बिजनेस डिटेल्स के बारे में, तो ऑटोमेटिकली अपने आप बिजनेस का नेम ले लेगा पैन कार्ड पे से. इफ नहीं लेता तो आप टाइप कर दें. देन आपको बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि उसकी क्या है, मोबाइल शॉप है, ग्रोसरी है, एजुकेशन है, जो भी है. इफ एजुकेशन है तो आपने एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, बुक शॉप. देन आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे. यहाँ पर आपसे मांगेगा एड्रेस प्रूफ. एड्रेस आपको वो डालना है जो GST रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे हो, इफ उसकी दुकान पहले कहीं थी और अब कहीं है नहीं, जो उसका रजिस्टर्ड नंबर एड्रेस है वही डालना है आपको उसके डॉक्यूमेंट्स पे, शॉप डॉक्यूमेंट्स पे. वो डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है. डॉक्यूमेंट में आप ये अच्छी तरह मैच कर लें, फिर आपको येस पे क्लिक करना है. अब आपको यहाँ पर शॉपकीपर का GST नंबर डालना है, फिर उसके GST सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, वही सिंपली आप क्लिक करेंगे अपलोड पे. देन कैमरा के लिए आपने अपलोड कर लिया स्कैन करके, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. फोटो क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फिर ये आ गया, आपने अपलोड कर दिया. यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोबारा से. अब आपसे मांगेगा बैंक अकाउंट डिटेल, आपको उनकी ओनर की बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिसमें वो पैसा चाहते हैं, जो भी वो. डालने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस चेकिंग करनी होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की. आप क्रॉस चेकिंग कर लें, एक एक चीज़ को आप पढ़ लें कि आपने सारी चीज़ें सही डाली है ना, पैन कार्ड का नंबर, बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस एड्रेस उनका, जो उनका GST नंबर है, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स. आप क्रॉस चेक करके कंटिन्यू करें. अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो भी चार्जेस होंगे, जो चार्जेस होंगे वो आप देख सकते हैं, चार्जेस दिखा रहा है वो उनकी विंडो पे चार्जेस हो जाएंगे, दिख जाएंगे. उन्हें दिखा देना सर ये चार्जेस है, कंटिन्यू क्लिक करो आप. ये आपका आ गया डैशबोर्ड, ओपन हो गया. अब डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सिंपली आपको करना क्या है कि आपका ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप उनको पेमेंट्स के वो बताएं, आप एंटर अमाउंट पे क्लिक करेंगे, मर्चेंट एंटर अमाउंट पे क्लिक, पेमेंट पे क्लिक करेगा. देन जितना भी पेमेंट उन्हें लेना है वो अमाउंट डाले. यहाँ पर अब चार ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे टैप एंड पे है, टैप एंड पे कुछ फ़ोन्स में अवेलेबल है भी. QR कोड, अब वो QR कोड से पेमेंट लेनी है मर्चेंट को, तो सिंपली QR कोड पे क्लिक करेगा, उनका QR कोड जनरेट हो जाएगा. सो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको. जैसे वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा ये उसका QR जनरेट हो गया. अब यहाँ से वो QR कोड को शेयर भी कर सकते हैं, मेथड को भी चेंज कर सकते हैं पेमेंट का, या कंटिन्यू टू होम, जैसे भी हुआ. अब जैसे वो स्कैन करेगा कोई भी, वो पेमेंट डन हो जाएगी. डिजिटल वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं, जैसे फ्रीचार्ज, एयरटेल, उसमें उनको नंबर डालना है क्लिक करके, जिस पर भी पेमेंट लेनी है उस पर उसे कंटिन्यू क्लिक पे क्लिक करेंगे सिंपली, तो OTP वेरिफिकेशन होगी पहले इस नंबर पे. OTP डाल दी.